टुडे इज चेस्ट एंड बैक डे. सुपर एक्साइटेड फॉर चेस्ट एंड बैक डे. एंड मुझे देखना भी है कि मैं कैसा परफॉर्म करूंगा इन द जिम विदाउट एनी स्लीप. व्हाट इज अप यूट्यूब. हम लोग जिम पहुंच गए हैं एंड थोड़ी सी नींद तो आ रही है, थोड़ी सी क्या, काफ़ी नींद आ रही है. बट इस पर अभी इतना ध्यान नहीं देंगे एंड वी गोना गो स्ट्रेट इनटू आवर वर्कआउट. थोड़ा सा वार्म अप, ऑब्वियसली थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद वी गोना गो इनटू आवर वर्कआउट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू इट. Improving 1% every day. So by the time मुझे 6 महीने या 1 साल होगा, I would have improved a lot. Last वाली exercise मुझे उसको normal pull-up से superset करना था जो कि मैं नहीं कर पाया, तो मैं इस वाली exercise पे superset करूँगा उसको. Wonder if I could do a lateral raise with this. मजा आ गया. ये वाला बाबल रो थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज इसमें मैं अपना सर इस तरह रखूंगा ताकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले, ताकि पूरा टेंशन मेरे बैक पे आए. लेट्स गो. Felt heavy, man. कोई ना, रेस्ट के बाद मिलते हैं. गुड सॉन्ग. एकदम से इतना भारी फील हो रहा है. आई थिंक द मोर परपेंडिकुलर आई एम टू द फ्लोर उतना पुलिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा. राइट, ये तो बैक वर्कआउट हुआ ख़त्म. सिंस अभी हमें इसके बाद चर्च भी जाना है, हमारे पास सिर्फ हाफ एन आवर है अपना चेस्ट वर्कआउट ख़त्म करने के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मतलब नहीं, नॉट वेस्ट, वी आर गोना 5 मिनट का ब्रेक लेंगे सांस लेंगे, उसके बाद वी आर गोना गो डू अ चेस्ट वर्कआउट एंड खत्म करके घर निकलते हैं.
for the second set. Let's go. And we're gonna superset machine flies. Okay, we're done. We're almost done with the workout. मतलब almost क्या पूरा ही खत्म हो चुका है. So we're gonna wrap it up and we're gonna go back. And we're gonna go to the church. And हमारा time भी हो चुका है. So I'll see you in the next workout. Till then, goodbye. Stay lifting and stay consistent. Bye bye.